हेलो। हाँ ना, हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और बवाल आप लोग। आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो, जीवन जी रहे हो। चाय पी लो, पिलाओ बेटा। चले बड़ी ऑनलाइन वाला, जल्दी से आ जाइए आप लोग, ऑनलाइन आलो आ जाइए सभी लोग। क्या क्या भे ढुकले, चलिए कल का रिवीजन करा था घर पे जाके आप लोगों ने, मतलब संडे को वापस रिपीट करा था आपने। बहुत जरूरी है भैया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम कह रहे हैं आपसे। ना 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 कैसे यार, कैसे फिर बताओ यार। मुझे आप लोगों के ऑनलाइन वालों, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि तुम कमेंट्स कर ही नहीं रहे हो। चले आ जाइए, आ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करो कौन से चैप्टर हम लर्न करके आएंगे। यस, ये हफ्ते का प्लानिंग कर लेंगे ना, डन। ये हफ्ते का प्लानिंग दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा ऑनलाइन वाले जल्दी आ जाओ यार, लिंक भेज दो बेटा। क्या सर कितना लेट, अरे मोदी सर ने लेट छोड़ा यार। सोनू को लिंक डालने को बोलो। यस लिंक, सर रिमेनिंग पार्ट भी करेंगे, वो भी करेंगे, टेंशन ना लो। मुझे यहाँ पे किसी के कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं यार, मोबाइल में देखना पड़ेगा क्या, मोबाइल में देखना पड़ेगा क्या। अब दिख गया, नहीं नहीं दिख रहा अभी भी। ओके चले। देखो यार सबसे पहले तो भैया जी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आपने इतना प्यारा रिस्पांस दिया है मैराथन को, बहुत 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 धन्यवाद, दिल से तहे दिल से शुक्रिया कि बहुत ही प्यारा रिस्पांस रहा। एंड यस आई थिंक सो, डिसाइड आज करेंगे बेटा। एंड आई थिंक सो द बेस्ट पार्ट इज कि अच्छा यार देखो मेरी बात समझो, जो जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना उसको आपको घर पे जाके वापस से रिपीट करना है, रिवाइज करना है। केस स्टडी बुक अपलोड कर दी है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है, तो कल नहीं आज करी है, अभी करी है, 1-1.5 घंटे पहले करी है। तो केस स्टडी का बुक अपलोड हो चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बुक अपलोड करवा दी है मैंने बेटा, अपलोड करवा दी है। एसी लगाई हुई है ना बेटा, दोनों चालू है, एसी इधर की दोनों चालू कर दो। चलो
चलिए ओके, क्या बात है सर, लिंक नहीं आई है यहाँ पे, एक मिनट मैं लिंक क्यों नहीं आई है भैया, सागर जियो किशोर, एक मिनट मैं लिंक भिजवा रहा हूँ। अरे लिंक नहीं गई है, बच्चे बोल रहे हैं, सारे ग्रुप में टेलीग्राम विग्राम में लिंक भेजो, हाँ लिंक भेजो जल्दी से। ओके चलिए, लिंक रिमेनिंग ग्रुप में सेंड हो रही है, ठीक है सभी लोग याद आने दीजिए, पंखा ऑन कर दो, अरे अरे बहुत मीठा है ना को। चलिए यार अब देखो, जब बात कर रहे हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कुछ चीजों को लेके। पहली चीज तो ये दोस्तों, स्क्रीन कर देते हैं चालू, हुआ यस। अच्छा जिस तरीके से हम लोगों ने देखो पार्ट बी के, ये हफ्ते का पहले एक बार प्लानिंग कर लेते हैं कि इस वीक में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप वो चैप्टर्स पढ़ के आओगे घर पे, ठीक है। पार्ट बी के अरे क्या हो रहा है, हाँ यस, पार्ट बी के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 15 कर लिया है, 16 कर लिया है, 18 कर लिया है, 17 नहीं हुआ, नोट्स नहीं, मैं मॉड्यूल के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, और 20वां वाला हो गया है, 17 वाला केएमपी बाकी है और 19 वाला जनरल मीटिंग बाकी है, ठीक है। अच्छा जैसे हम लोगों ने ये सेशन करा हुआ है, एक सेशन जो हमने कल करा था, ठीक है, वैसा ही एक सेशन और होगा, ठीक है ना, वैसा ही एक सेशन और होगा, और उस सेशन के अंदर बेटा जैसे हमने डिटेल में करा हुआ है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 2, ये तीनों कंप्लीट करेंगे, जो तीन बड़े चैप्टर हैं आपके, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 2 विथ क्वेश्चन एंड आंसर। लेकिन उस सेशन को थोड़ा इंतजार होगा, बिकॉज अभी पार्ट ए की समाधान बुक बनी नहीं है, सो इन प्रोसेस है, तो जैसे ही वो हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है ना, तो इसका अनाउंसमेंट, एक सेपरेट अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा कि कब ये होगा। हालांकि अब इस वीक में तो नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीक में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। दिवाली कितने तारीख को है, तो 21 वगैरह वो करेंगे अपन, जिस दिन आपका लास्ट डे होगा, ठीक है, मोदी सर 21 तारीख को जा रहे हैं, तो उस दिन उनका लेक्चर नहीं होगा, तो 21 तारीख को अपन ये सेशन करेंगे, ये वाला जो एक बचा हुआ है, यस, चैप्टर नंबर 17, 19, चैप्टर नंबर 2, और अगर टाइम बचा तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 भी, ठीक है। अब ये वीक का प्लानिंग सुन लो, अब ये हफ्ते का प्लानिंग सुन लो, ये हफ्ते में हम 4-5 छोटे छोटे चैप्टर करेंगे, 4-5 चैप्टर करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर करेंगे, लाइक पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अपन करने वाले हैं डिविडेंड, कल हम लोग करेंगे सीएसआर, फिर हम करेंगे चार्जेस, ठीक है, पहले ये 3 चैप्टर कर लेंगे हम लोग, डिविडेंड, सीएसआर, चार्जेस, फिर परसों क्या करते हैं, नहीं आज क्या मंडे ट्यूसडे बने, थर्सडे को क्या करेंगे, थर्सडे को कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, थर्सडे को कौन सा करेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज व्हाट, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, फिर कर लेंगे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13,
तो ये वीक का ये समझ लो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, इस सीक्वेंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये हफ्ते में। तो आप इसका भले ही है ना प्रिपरेशन चालू कर दो, डिविडेंड, CSR, चार्जेस, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13, ये एज पर मॉड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ऑनलाइन वालों जल्दी से, पहले आपका काम है आते ही जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दिया क्या करो बेटा, लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दिया करो। मेरी जान पान की दुकान, मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या बताओ, आई एम मिस्टर इंडिया हो गया हूँ मैं। हाँ बाबू अपलोड कर दिया बेटा, केस स्टडी बुक कराना चालू कर दिया, केस चालू किया ना बेटा, ये बंद किसने किया, मोबाइल से करा के किसी ने बंद। सो ये हम लोग करते हुए चलेंगे बेटा जी। अभी लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट स्टार्ट विद द डिविडेंड। डिविडेंड वाला चालू करेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, थोड़ा टाइम पास कम और काम ज्यादा, ठीक है ना। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है हफ्ते भर बाद में या 10 दिन बाद में, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो मैंने आपको बताया था कि एक अपन अभी क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बेटा जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया अभी। ओ बाबू मसाई, चलो ध्यान से सुनना रिवीजन, मुझे ऑनलाइन वाले आपकी कमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो मैं एंड में स्टार्ट को मोबाइल में कमेंट एंड में देखूंगा, अभी मुझे आपकी कमेंट नहीं दिख रही है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा डिविडेंड वाले चैप्टर पे, मेरी बात सुनो बेटा। सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है, 123। डिविडेंड का सेक्शन कौन सा बेटा, 123, 123। डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है, 123। एक घंटा खत्म करेंगे, ठीक है ना, एक घंटा विदाउट टाइम पास, कोई टाइम पास नहीं चाहिए भैया जी, ठीक है ना, पूरी शिद्दत के साथ। अच्छा जिन्होंने अभी तक मैराथन पे कमेंट नहीं करा है, जिन्होंने नहीं किया है, जो लोग अभी भी भरोसे वाले हैं, आई मीन टू से डीके बॉस है, आई मीन टू से माखन चोर है, आई मीन टू से जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, जल्दी से लाइक कर, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है ना, लाइक भी करना है और कमेंट भी कर देना है। यार देखो सबसे पहले डिविडेंड देना क्या कंपलसरी है, आंसर इज नो, डिविडेंड देना कोई भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है भाई, है ना, कि कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर एक बार डिविडेंड आपका डिक्लेयर हो गया, एक बार डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया, अब इसको मैंडेटरीली आपको पे करना पड़ेगा। सो डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी, डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी। अच्छा दूसरी चीज, लेक्चर्स भैया प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, लेक्चर्स आपके प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद उसको आपको किस तरीके से एक्सेस देना है उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट लेक्चर्स प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आपको लाइव ही अटेंड करना है, ठीक है ना, बाद में कब मिलेंगे, हफ्ता भर लग जाएगा उस चीज को, तो लाइव ही अटेंड करना है, ठीक है ना। चलिए सो हम जब बात करते हैं डिविडेंड की, तो दोस्तों क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है, आंसर इज नो, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इट बिकम्स मैंडेटरी। अच्छा हालांकि दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वो बन जाएगा डेट, डेट की मतलब लाइबिलिटी, डेट मतलब क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब समझ रहे हो भाई साहब, आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो, आप सभी के सभी लोग मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया ना, एक बार मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, और अगर अब मैंने आपको डिविडेंड पे नहीं किया तो आप मेरे ऊपर सू कर सकते हो, आई मीन टू से स्यू कर सकते हो, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि अब ये क्या बन चुकी है, डेट बन चुकी है, ये लाइबिलिटी बन चुका है। तो डिविडेंड वंस डिक्लेयर इट बिकम्स डेट, है ना, एक बार डिक्लेयर हो गया तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका डेट बन गया, ठीक है। तो कंपल्सरी आपको फिर पे करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। सर क्या प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, सर क्या प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लाइबिलिटी बनता है, आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं बनता है। जब हम बात करते हैं यहां डिविडेंड की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की, तो हम कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स वाला डेट बनता नहीं है, इक्विटी शेयर्स वाला डेट बन जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वाला डेट बनता नहीं है। चलिए अच्छा हमने डिविडेंड कूपन बांट दिए,
क्या बांट दिया हमने? डिविडेंड कूपन बांट दिए। क्या इसको मानेंगे कि भैया आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया? नहीं नहीं बेटा, इट शल नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड, उसको हम डीम्ड डिविडेंड मानते नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कूपन शल नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डीम्ड डिविडेंड। इसको हम कंसिडर्ड नहीं करेंगे क्या कि आपने डिविडेंड दे दिया है? हाँ है ना। चलिए सर ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखो डिविडेंड दो टाइप का होता है। डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक आपका डिविडेंड होता है बेटा जी फाइनल डिविडेंड, कौन सा? और एक होता है बेटा जी आपका कौन सा? इंटीरियम डिविडेंड। एक है आपका फाइनल और दूसरा है क्या आपका? इंटीरियम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड। देखो हमने देखा था जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात कर रहे थे। मुझे बताओ एनुअल जनरल मीटिंग में क्या अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? हाँ है ना, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो सेकेंड वन क्या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड था। तो फाइनल डिविडेंड दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करने वाले कौन है? शेयर होल्डर। फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करने वाले कौन है भैया जी? शेयर होल्डर। वो भी कौन सी मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में। बाईपासिंग विच रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो जो एजीएम में मिलता है उसको क्या कहते हैं? फाइनल डिविडेंड। सभी ने रिस्पॉन्स करना है, जो एजीएम में मिलता है उसको क्या कहते हैं? फाइनल डिविडेंड। और जो दो एजीएम के बीच में मिलता है, दो एजीएम के बीच में मिलता है उसको क्या कहते हैं? इंटीरियम डिविडेंड। जो एजीएम पे मिलेगा वो कौन सा है? जो बीच में मिलेगा वो कौन सा है? सर बीच में मिला है तो इंटीरियम डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर कौन करता है दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाईपासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। हाँ है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस बेटा डिविडेंड का मतलब, अगर हम बात करें फाइनल डिविडेंड का, तो फाइनल डिविडेंड कौन देगा डार्लिंग? फाइनल डिविडेंड देंगे दोस्तों शेयर होल्डर। वो भी कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। वो भी कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग, बाईपासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इंटीरियम डिविडेंड कौन देगा भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाईपासिंग बोर्ड, बोर्ड रिजोल्यूशन। अच्छा सर फाइनल डिविडेंड जो है क्या वो एजीएम में डिक्लेयर हो जाएगा? और ये कौन सी मीटिंग में होगा? बोर्ड मीटिंग। हाँ है ना। अच्छा फाइनल डिविडेंड का ऐसा है ना दोस्तों, फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो एक बार जैसे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है ना, जैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ये क्या बन गया? डेड। क्या इसको आप रिवर्स कर सकते हो? रिवर्स करना मतलब एक बार आपने बोल दिया देंगे तो देना ही पड़ेगा। एक बार आपने बोल दिया देंगे क्या? डिविडेंड, तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बस वही बात है बेटा जी, देना ही पड़ेगा। बोल दिया तो बोल दिया, अब तो हम लेके रहेंगे क्या? डिविडेंड। अच्छा इंटीरियम का कैसा है? इंटीरियम में भी वैसे रूल तो वही है, बिकॉज यू नो द प्रोविजन ऑफ फाइनल डिविडेंड शल अप्लाइज टू इंटीरियम डिविडेंड ऑल्सो। तो जो फाइनल डिविडेंड के प्रोविजन है ना, वही सारी प्रोविजन किसको लगता है? इंटीरियम डिविडेंड को। लेकिन इंटीरियम डिविडेंड क्या हो सकता है? एक दो सिचुएशन ऐसी है जहां पे वो कैंसिल हो सकता है ना। वैसे ये भी डिक्लेयर हो गया तो क्या बन जाता है? डेट। लेकिन ये रिवर्स कब हो सकता है? अगर वो इलीगली डिक्लेयर किया गया। कैसे डिक्लेयर किया? इलीगली डिक्लेयर किया गया या इनवैलिडली डिक्लेयर किया गया बाय द डायरेक्टर्स, बाय द व्हाट बेटा? आपका डायरेक्टर। सो रूल तो वही है कि एक बार डिक्लेयर हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, अपने भाईजान जैसा है ये। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की और किसी के बाप की भी नहीं सुनता, सिर्फ अपने बाप की सुननी पड़ती है बेटा, है ना। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, है ना, उनकी सुननी पड़ती क्योंकि बाप से बकलोली नहीं। हाँ या ना। चलिए सुनो सुनो बेटा, नेक्स्ट वन देखो, क्या आपको जो भी डिविडेंड है उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इनटू द बोर्ड रिपोर्ट? कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट। फिर वो फाइनल हो या इंटीरियम हो, फाइनल हो या इंटीरियम हो, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इनटू द व्हाट? बोर्ड रिपोर्ट। अभी हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द फाइनल डिविडेंड एंड व्हाट? इंटीरियम डिविडेंड। डिफरेंस बिटवीन द फाइनल डिविडेंड एंड व्हाट बेटा? आपका इंटीरियम डिविडेंड। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फाइनल डिविडेंड, एक बार जल्दी से इसको यहीं पे याद करके खत्म करना है,
करेक्ट है, यहीं पे लर्न करना है, यहीं पे खत्म करना है बेटा, है ना, कल तक रखना ही नहीं है, घर पे जाके एक बार पढ़ लेना है तो कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो, है ना। चलिए सो देखो देखो दोस्तों बताइए, फाइनल डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कहाँ कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर बाई पासिंग वॉट, कौन सी मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में। इंटीरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सी मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, बिटवीन टू एजीएम, हाँ है ना, चलिए सही बात है। देन दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, नेक्स्ट वन, अच्छा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, क्या ये डेट बन जाएगा, इंटीरियम का फंडा भी वही है, या क्या बन जाएगा, डेट, लेकिन क्या इंटीरियम को रिवर्स कर सकते हैं, हाँ है ना, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम लोग कर सकते हैं, जब इट बिकम्स डिक्लेयर इल्लीगली और इनवैलिडली तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर सुनो ना, केस स्टडी बुक पिन कर दो ना प्लीज, बेटा केस स्टडी बुक ना अपने यूनिक के वेबसाइट पे अपलोड करवा दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर लो, है ना बेटा जी। अच्छा सुनो ना, फाइनल डिविडेंड आप कहां से दोगे, फाइनल डिविडेंड कहां से देते हो आप, तो क्या करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हो, हाँ है ना, कहां से दे सकते हो दोस्तों, करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हो, क्या प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे सकते हो, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। सो जब भी हम बात करें डिविडेंड की दोस्तों, तो डिविडेंड करंट ईयर से हो सकता है, या तो प्रीवियस ईयर से हो सकता है, है ना, करंट ईयर से हो सकता है, पिछले साल के प्रॉफिट से हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इस साल से दे दो, बैठ जाएंगे बेटा, वो बैठ जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे, डोंट वरी, सबको उधर देखने की जरूरत नहीं है, बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं, तुम तो ऑब्वियसली मेरे को ही देखोगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ, कोई लड़की जैसे क्लास में आती है ना, वो खड़ी है, वो अगर खड़ी है तो पहले उसके पास तू बैठ जा भाई, तू बैठ जा, जब तक वो प्रॉपर बैठ ना जाए, जैसे वो बैठी, हाँ अब बैठ गई, जगह मिल गई है उसको, भाई मेरे को भी याद करो भाई, हम भी हैं भाई, कौन अक्षित देखता है, समझा मैं, ए, कोई बोला, ओके ओके चलिए बड़ी, अखे बाबू जी, यार मेरी बात सुनना दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना बाबू, यार देखो एजीएम वैसे कितने दिन के अंदर होती है, 6 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है 31st March, यार कंपनी क्या अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी बनाती है, कंपनी क्या अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी बनाती है, हाँ जी सुनना, ध्यान से सुनना बाबू प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करना, मस्ती नहीं करना बेटा, लेट से 2015-16 की मैं बात कर रहा हूं, 2015-16 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 April 2015, एंड कब हुआ, 31 March 2016, क्या इस साल के प्रॉफिट से हम दे सकते हैं, हाँ जी उससे तो हम दे ही सकते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन इसका ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम लेना है, तो 6 महीने मतलब कब आता है, 30th भाई, अकेले क्या, अकेले ये दिख नहीं रहा है, अकेले दिख रहा है सिर्फ, हाँ जी तो 6 महीने ना बेटा, 30th September तक ले सकते हो, क्या उसके बाद सुनो, ईयर एंड होने के बाद में अप्रैल मई जून क्या ये क्वार्टर खत्म हो गया, और अगर क्या इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट से भी क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं, क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं, हाँ या ना, यस बेटा हम उससे भी डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब सुनो हम इस साल के प्रॉफिट से तो दे ही सकते हैं, अप टू कहां तक दे सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट तक दे सकते हैं, मतलब एजीएम होगी, एजीएम के पहले जो क्वार्टर क्लोज हुआ होगा
उस क्वार्टर के प्रॉफिट से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, इस पॉइंट को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। बाबूजी ध्यान से सुनना, फोन रख दो बेटा। लेट से 2022 एंड 22 हाँ स्टार्ट कब हुआ है बाबू ये ईयर? 1st अप्रैल 2021 एंड कब हुआ? 31st मार्च 2022 यस और नो? क्या इस साल के प्रॉफिट से तो हम डिविडेंड दे ही सकते हैं? कोई तकलीफ है? अच्छा एजीएम देखो, हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एजीएम में, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं फाइनल डिविडेंड हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? एजीएम में। सो एजीएम मैंने ली सपोज 25 सितंबर को एजीएम ली है बेटा, तो इस साल के प्रॉफिट से तो दे ही सकता हूं मैं, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या अप्रैल के बाद क्वार्टर आया? कौन सा क्वार्टर आया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो हालांकि चल रहा है तो क्वार्टर एंड हुआ, लेकिन क्या अप्रैल, मई और जून एक क्वार्टर खत्म हो गया? क्या इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट हो सकता है? अरे हाँ जी, प्रॉफिट हो सकता है ना। तो इस क्वार्टर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर लॉस में डिविडेंड देना है, किसमें? लॉस में। जब भी आपके पास लॉस होगा, लॉस में डिविडेंड देना है, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उसमें क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो हम जो हम देखने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिन्होंने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया, आथू 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 जल्दी से कर दीजिए। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रोसेस समझते हैं। डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? डिफरेंस क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बड़ी। अब देखिए यार, सेक्शन 123 क्या बोलता है? सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेरेशन, इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट मस्ट बी व्हाट बड़ी? ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहला पॉइंट, इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 123, सेक्शन 120, एक दो तीन, सेक्शन 123। रणवीर सिंह, समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर देगा ना, नहीं दिया तो तेरा वही फोटोशूट करवाऊंगा, याद रखना बेटा। पीली चड्डी बना के, वो भी क्या, जो भी पोजीशन दी है ना, ध्यान रखना बेटा। क्यों रे, आज तूने जगह नहीं रोकी क्या? जगह नहीं रोकी तूने? चले सर, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी, आप बस लेक्चर प्राइवेट मत करिए, एंड इससे एंड किस भी फ्री दूंगी। ओहो, रिया राव बोली किस भी फ्री दूंगी, तो पैसे लेके कौन किस देती है मेरे को बताओ? पैसे लेके कौन किस देता है बाबा? अरे रे, राम राम राम, कैसी कैसी बातें कर रहे हो भैया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे अरे मेरी बात सुनो। अब देखो यार, डिविडेंड डिक्लेयर की अगर हम बात करें, तो डिविडेंड मस्ट बी ऑथोराइज बाय व्हाट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो जब डिविडेंड देना है ना, तो देना है आपको करंट ईयर के प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? करंट ईयर के प्रॉफिट से। दूसरा या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, दूसरा या तो कहां से बेटा? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। करंट ईयर के प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या बोथ। अच्छा, या फिर देखो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया है आपको, कि इसमें से दे दे भाई, हम दे रहे हैं तेरे को पैसा, इससे डिविडेंड दे दे। तो और कहां से दे सकते हो दोस्तों? फंड प्रोवाइडेड बाय एवरीबॉडी, फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन परस्यूएंस टू गारंटी। मतलब जब कंपनी बनी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था कि भैया हम दे देंगे तुमको डिविडेंड, डिविडेंड का गारंटी हमारा है। तो जब डिविडेंड देने की बारी आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा देगी, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। सो पहला 123 में क्या लिखा हुआ? सबसे पहले डिविडेंड मस्ट बी डिक्लेयर, डिविडेंड ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और बोथ, और फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद आ रहा है स्टेप? याद आ रहा है? आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और बोथ, और फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देखो यार, जब भी ना
जब भी डिविडेंड दोगे पहले आपको सेट ऑफ करना है। आगे क्या लिखा रिया ने सर, ये ऊपर प्यार है, आपके ऊपर प्यार है। अच्छा मुझे लगा ऊपर प्यार है, ऊपर प्यार है तो नहीं सुनो 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 स्वाती बेटा, अच्छा सेट ऑफ करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्या प्रीवियस ईयर्स लॉसेस, पुराने साल में अगर आपका लॉस है भाई, कितने सिंगल लोग हैं यहाँ, अरे भाई हद है भाई हद, और तुम हाथ भी खड़े करो, अबे गवार पढ़ लो। चलिए प्रीवियस ईयर के लॉसेस को और डेप्रिसिएशन को पहले सेट ऑफ करना है। मतलब सुनो सुनो बेटा, जब भी देखो, जब भी आप प्रॉफिट में से डिविडेंड दोगे, उस प्रॉफिट में से पहले आपको पुराने साल के लॉस माइनस करने हैं, सेट ऑफ करना। पहला सेट ऑफ करना मतलब डिडक्ट करना, सेट ऑफ करना मतलब क्या करना, डिडक्ट करोगे। क्या डिडक्ट करोगे, पहले पिछले साल के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर्स के लॉसेस एंड व्हाट बेटा आपका डेप्रिसिएशन। हाँ है ना, जब प्रॉफिट आप निकाल रहे हो बेटा लक्ष्मी बोली सर बहुत ध्यान दे रहे हो रिया के कमेंट पे फिर एक ने आई एम प्रिया सर मुझे आपसे लेना है प्लीज ए भाई मेरी बात सुनो। हाँ एक काम करता हूँ, थोड़ी देर कमेंट बंद कर देता हूँ, अलग अलग बातें ज्यादा हो रही है। आओ देखो, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे पहले आपको सेट ऑफ करना है पिछले साल के लॉस, प्रीवियस ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करना है आपको, और डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। प्रॉफिट को माइनस करोगे और किसको माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। प्लस भैया इस प्रॉफिट में डज नॉट इंक्लूड नोशनल गेन, कौन सा गेन नहीं आएगा, नोशनल गेन है ना, नोशनल गेन मतलब जो अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, अनरियलाइज गेन और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को या रीवैल्यूएशन गेन को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मेरी बात सुनो बेटा, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे कनक बेटा, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे है ना, हिसाब करोगे mess.com का, तो प्रॉफिट निकलेगा। तो जब प्रॉफिट निकलेगा तो उसमें से जो नोशनल गेन है, जैसे तूने बोला होगा उसको कि मैं तेरे साथ जाऊंगी तो 50-60 मेस के डब्बे तो ऐसे लग जाएंगे, उसमें 20-25 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, ये नोशनल गेन है। ये कौन सा गेन है, नोशनल गेन, अनरियलाइज गेन, जो गेन रियलाइज ही नहीं हुआ है, जो नोशनल गेन है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज एक्चुअल में लॉस है, हाँ है ना। तो ऐसे जो नोशनल गेन, अनरियलाइज गेन या रिवैल्यूएशन गेन है उसको एक्सक्लूड करना है, उसको हमें काउंट करना नहीं है, उसको हमें काउंट करना नहीं है। अच्छा, कंपनी को अगर ट्रांसफर करना है कुछ भी अमाउंट, मतलब बांटने के पहले अगर आपको कुछ पैसा रिजर्व में डालना है आप डाल सकते हो, बांटने के पहले अगर कुछ पैसा आपको कहाँ डालना है, रिजर्व में आप डाल सकते हो। सो देखेंगे एकदम आराम से, सेक्शन कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 123 123 बोलता है कि भैया अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आपको डिविडेंड देना है तो आपको ये प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोविजन नंबर वन, इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट नंबर टू, आउट ऑफ दी करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और बोथ और फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी दोगे पहले सेट ऑफ करोगे प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड नोशनल गेन और अनरियलाइज गेन और रिवैल्यूएशन, वो नहीं आएगा। अच्छा, कंपनी को अगर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है तो कंपनी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकती है, कोई वांधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी में अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है भैया, या कंपनी में इस साल लॉस हुआ है, सो इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस में क्या हिसाब किताब है जरा बताओ तो सही। तो बोले इनएडिक्वेट प्रॉफिट अगर है कंपनी को, ये तो देख लिया कि भाई जब प्रॉफिट है ना तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा
अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है मतलब इस साल तो प्रॉफिट नहीं है, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो तुम कहां से दोगे? पिछले साल के प्रॉफिट से दोगे, और जब पिछले साल के प्रॉफिट से आप दे रहे हो मतलब उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों वो आपकी सेविंग है, रिटेन अर्निंग है, रिजर्व्ड है, तो उसमें से आप दे रहे हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले दोस्तों आप डिविडेंड कहां से दोगे? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, जिसको हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये आप दे रहे हो कहां से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हो। उसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई तकलीफ नहीं है सर, पता है हमको, पता है सर, ये तो हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हो, दैट्स ग्रेट थिंग। अच्छा, जब इसमें ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिविडेंड शल नॉट एक्सीड, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड शल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सुनना बेटा, आपको जब हम रेट ऑफ डिविडेंड, देखो आपको प्रॉफिट है तो अनाप शनाप कुछ भी नहीं दे सकते आप डिविडेंड, आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि भैया इतना ही आप दे सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, लिमिट है। तो लिमिट है भैया, जो पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा था, पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा था उसका एवरेज लेना है। सपोज पिछले 3 साल में हमने 10% 15% और 15% दिया हुआ है, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करो तो कितना आएगा? 40 / 3 13.33%। तो इस रेट से आप ज्यादा नहीं दे सकते। सर कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड इच नहीं दिया तो ये रेट वाली कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होगी। अगर पिछले 3 साल में, सुनो ना, पिछले 3 साल में भैया आपने डिविडेंड इच नहीं दिया है, अगर डिविडेंड दिया ही नहीं तो एवरेज किसका लोगे? तो ये कंडीशन, सिर्फ ये कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होगी, मतलब विदाउट लिमिट आप डिविडेंड दे सकते हो अगर पिछले 3 साल में नहीं दिया है। सर हमने पिछले 3 साल नहीं 2 साल दिया है, तो अगर 2 साल दिया है ना, जैसे 15 और 15, लेकिन डिवाइडेड बाई तो 3 होगा, यहां ध्यान से सुना, डिवाइडेड बाई तो 3 होगा, मतलब 15 और 15 30, एक में हम ले लेंगे 0। समझना, बात समझना, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर बने तो कैसे करना है। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, 3 साल का एवरेज लेना है। एवरेज कितने साल का लेना है? 3 साल, हाँ है ना। और अगर 3 साल में हमने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है तो ये एवरेज वाली कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होगी, मतलब विदाउट लिमिट आप डिविडेंड दे सकते हो। विदाउट लिमिट मतलब परसेंटेज कैन बी एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हो आप। लेकिन अगर 2 साल में दिया है, 1 साल में नहीं दिया है, तो ये 2 साल का एवरेज लेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाई तो 3 करेंगे। सपोज 2015, 2016 एंड 2017, 2015 में हमने डिविडेंड नहीं दिया, 2016 में हमने 20% दिया, 2017 में हमने 40% दिया, तो 60 / 2 या 3? एवरेज हम 3 से ही करेंगे, ये याद रखना, एवरेज हम 3 से ही करेंगे। तो 60 / 3 कितना आ गया? तो 20% इस साल आप दे सकते हो अगर आपको लॉस है। अच्छा सुनो, ये एवरेज कब लेना है? जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत है हमारे पास, तो ये कंडीशन देखनी नहीं है ना, फिर तो सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन देखनी है। ये कंडीशन हम कब देख रहे हैं बेटा? लॉस के केस में, है ना। सो आराम से वापस से देखो, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है मेरी जान तो कहां से दोगे? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दोगे, बराबर, या कहां से दोगे? एक्यूमुलेटेड रिजर्व से। रेट कितना होगा? शल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बराबर है। अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड नहीं दिया तो रेट अप्लाई नहीं होगा। अगर पिछले 3 साल में 3 में से 2 में दिया है तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे, डिवाइडेड बाई 3 करोगे, गॉट द पॉइंट। चलिए बोलना, 10% निकालूंगा, 15% रहने दूंगा और 3 साल का एवरेज लूंगा। लॉस का मेमोरी टेक्निक ध्यान देना बेटा, जो पहली बार पढ़ रहे मेरे से ध्यान से सुनना बेटा। लॉस में हम डिविडेंड पिछले साल से निकालते हैं, और जब हम पिछले साल से निकालेंगे मतलब रिजर्व से निकालेंगे, तो कितना निकालूंगा? 10% निकालूंगा, 15% रहने दूंगा और 3 साल का एवरेज लूंगा। बोलो मेरे साथ सभी लोग, 10% निकालूंगा, 15% रहने दूंगा,
तीन साल का एवरेज लूंगा। 3 साल का एवरेज टू कंडीशन समझ में आ गई आपको? तो सर आप देखो, इस साल तो प्रॉफिट है नहीं, तो विड्रॉ कहां से करोगे? पुराने रिजर्व से। तो रिजर्व से आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? यू कैन विड्रॉ अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हाँ है ना? 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। एंड फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो ना? हाँ है ना? फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, ठीक है ना? तो 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट? फ्री रिजर्व। हाँ जी। सो कितना? अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो कि 10% हम कैपिटल का निकाल रहे हैं, निकाल हम रिजर्व से रहे हैं, सुनो, निकाल हम रिजर्व से रहे हैं, और कितना रिजर्व से निकालेंगे इसके लिए कैपिटल लिया है हम। पैसा हम पेड अप, पैसा कभी पेड अप शेयर कैपिटल से नहीं निकालते हैं। कैपिटल से पैसा विड्रॉ करके डिविडेंड दिया, ऐसा नहीं होता है। पैसा निकलेगा रिजर्व से ही बाबू, लेकिन कितना निकलेगा ये कैलकुलेट करने के लिए लिमिट 10% इसकी है। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट बॉडी फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट बॉडी फ्री रिजर्व। सो फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए का, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व बोल सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसी में आ गया, लेट से 300 रुपए का, 300 नहीं ज्यादा हो गया, 380 कर लेते हैं, 80 रुपए का, ठीक है। तो मुझे बताओ डिविडेंड आप निकाल रहे हो तो कितना निकाल सकते हो डिविडेंड? हाँ, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। तो 100 प्लस 100 प्लस 80 तो कितना हो गया? 280। उसका कितना? 10%। तो कितना विड्रॉ करोगे? यू कैन विड्रॉ मैक्सिमम 28। और विड्रॉवल कहां से होगा? हाँ, मतलब लिमिट के लिए सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल लिया है निक्की जी बेटा, लिमिट के लिए सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल लिया है, बाकी विड्रॉ करोगे किससे? रिजर्व से। तू क्यों खुश हो रही है निक्की को देख के ऐसा? सावधान रहिए, सतर्क रहिए, 377 से बचते रहिए। डायरेक्टली इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ स्वामी सर से, नहीं गया ना 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 ना। ओके, ओके। सो कितना निकालोगे बाबू? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अच्छा, निकालने के बाद कुछ बचना भी तो चाहिए। जैसे देखो हमारे घर वाले पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरा पैसा एक साथ निकालते हैं क्या? थोड़ा पैसा निकालते हैं, थोड़ा रहने देते हैं ताकि फ्यूचर में तकलीफ ना हो आपको, बराबर है? तो कंपनी ने भी वैसे ही करना है। पैसा निकलेगा रिजर्व से, बोलो, पैसा निकलेगा रिजर्व से। कितना निकलना है ये लिमिट में पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, सिर्फ निकलेगा रिजर्व से ही बाबू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, निकलेगा रिजर्व से ही, ये बात समझ लेना बाबू। हाँ है ना? अच्छा, निकलने के बाद बचना कितना चाहिए? तो रिमेनिंग बैलेंस इन रिजर्व शैल बी 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ओनली। 15% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल। निकलने के बाद 15% बचना चाहिए। जब निकाल रहे हो तो कितना निकाल रहे हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। लेकिन जब विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ करने के बाद पैसा कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब समझना बिट्टा, इसी क्वेश्चन में समझते हैं। क्या 80 रुपए में से 28 रुपए निकल जाएंगे? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्या 28 निकल गए? तो 80 में से 28 गए तो कितने बचे? 52। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। टेल मी, पेड अप शेयर कैपिटल 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 का 15% कितना होता है? 30 रुपीज होता है। क्या उससे ज्यादा ही है?
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो चलेगा, 15% से कम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन दूं आपको, एक क्वेश्चन दूं, हाँ है ना। सपोज पेडअप शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 1000 रुपए का, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है 2000 रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है बेटा 700 रुपीज का, 300 रुपीज का, से कितने का, 300 रुपीज का दिया हुआ है। आपको पूछा है कि कितना हम विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कितना कर सकते हैं पहले, ये 300 ज्यादा ही हो गया, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं 500 कर दूं। चलो कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो बताओ, पहले तो बताना कितना विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा विड्रॉ करने के बाद में क्या रिमेनिंग बैलेंस उतना है क्या, तो वो भी चेक करना है। सो थ्री थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड, उसका 10% निकाल सकते हो, मतलब 350। तो अगर रिजर्व 500 का है, 350 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग बैलेंस एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल है 3000, उसका 15% कितना होता है, लेकिन तुम्हारे पास कितना बचा, आंसर इज नो। डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी 450 का, नहीं कर पाएगी, करेक्ट है, हाँ है ना। अच्छा जब भी इसमें भी है भैया, फर्स्ट सेट ऑफ द लॉसेस, आपको प्रीवियस ईयर के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन को क्या करना है, सेट ऑफ करना है, पिछले साल के लॉसेस और डेप्रिसिएशन को यहाँ पे सेट ऑफ करना है। चलिए 123 जल्दी से बता दीजिए एकदम अच्छे से, 123 सबसे पहली कंडीशन, अगर प्रॉफिट है तो, और प्रॉफिट नहीं है तो, प्रॉफिट है ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिविडेंड कहां से दोगे, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और बोथ, और फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेट ऑफ करना है प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, है ना, और आपको एक्सक्लूड करना है नोशनल गेन, अनरियलाइज गेन, क्या उसके पहले सीआरआर को कर सकते हो, हाँ है ना, सीआरआर को, मतलब सीआरआर बोल रहा हूँ, रिजर्व को आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या पिछले साल के प्रॉफिट से दोगे, उसको एक्यूमुलेटेड रिजर्व भी बोल सकते हैं, रेट कितना होगा, एवरेज रेट ऑफ 3, जो आपने डिविडेंड दिया है उसका 3 साल का क्या लेना है, एवरेज, उस 3 साल का आपको क्या लेना है दोस्तों, एवरेज। अगर पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड दिया ही नहीं है तो एवरेज की जरूरत नहीं है, लेना ही नहीं है, कितना भी दे सकते हो, 2 साल में है तो डिवाइडेड बाय 3। अब कितना विड्रॉ करोगे, कितना, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने के बाद कितना बचना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, क्या लॉसेस को सेटअप करोगे, क्या बात है सर, लॉस ज्यादा हुए सेट ऑफ नहीं हो पा रहे तो इस साल डिविडेंड मत दो बेटा, पहले सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। अब डिविडेंड ऑफ डिक्लेरेशन का प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सुनना बेटा जी, सबसे पहले डिविडेंड क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं, और इंटीरियम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, डिक्लेरेशन मैटर है डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद डेट बनती है, डिक्लेरेशन के बाद डेट बनता है, तो डिक्लेयर कौन करेगा मेरी जान, अगर फाइनल है तो शेयर होल्डर, और अगर इंटीरियम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कर दिया हमने डिक्लेयर, जैसे हमने डिक्लेयर किया दोस्तों, उसके 5 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, जिस दिन हमने डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर उसको हम सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आराम से स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में हम ट्रांसफर कर देंगे। आज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 करोड़ का डिविडेंड जाने वाला है, तो 5 करोड़ रुपये मैं अपने अकाउंट से निकालूंगा और एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि भैया कि हमने अपना काम करना चालू कर दिया है कि जो डिविडेंड देना है वो सेपरेट अकाउंट में डाल दिया है, अलग से रख दिया है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना, अपना पैसा और दूसरों का पैसा हम सेपरेट रखते हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में वो डेट बन गया, डेट मतलब अब हमारा पैसा नहीं है, तो उसको हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितने दिन के अंदर,
पांच दिन के अंदर हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ या ना? अच्छा, पांच दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट, पांच दिन कब से? डिक्लेरेशन से। और 30 डेज के अंदर हम पे करेंगे, लेकिन 30 डेज पांच दिन के बाद नहीं है, डिक्लेरेशन। सपोज यहां डिक्लेयर हुआ, उसके पांच दिन के अंदर हम सेपरेट अकाउंट में डालेंगे, और डिक्लेरेशन से ही 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, पेड होंगे। अच्छा, अगर पेड नहीं हुआ, यस, उसको एस्क्रो अकाउंट बोल देते हैं। अगर पेड नहीं हुआ मेरी जान, 30 दिन में वो डिविडेंड पेड नहीं हुआ, मतलब वो अनपेड रह गया या अनक्लेम्ड रह गया, है ना? या तो पेड ही नहीं हुआ, या तो क्या रह गया, अनपेड रह गया। तो अगर पेड नहीं रहा, मतलब पेड नहीं हुआ, मतलब अनपेड हो गया या अनक्लेम्ड हो गया, तो उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसका नाम है अनक्लेम्ड डिविडेंड ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट। उस कंपनी के नाम से एक अकाउंट। सर हाँ, नैना, अगर एक साल का भी होगा तो 3 साल बेटा। हाँ जी सर, थोड़े जून वाले अमेंडमेंट भी हुआ कर देना। हाँ जी, करा देंगे बेटा। सो 30 दिन में पे नहीं हुआ, 30 डेज में अगर पे नहीं होता है, तो विल ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज अनक्लेम्ड डिविडेंड, और वो कितने दिन के अंदर? 7 दिन। 7 दिन कहाँ से बेटा? 7 दिन कहाँ से? एक्सपायरी ऑफ 30 दिन। जैसे 30 दिन खत्म होते हैं, जैसे 30, देखो 5 दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 30 दिन में पे कर देना है। 30 दिन में अगर पे नहीं हुआ, तो 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन, खत्म होने के बाद 7 दिन आप कहाँ डालोगे उसको? अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट बाय द नेम ऑफ कंपनी। अच्छा, जैसे ही वो ड्यू होता है ट्रांसफर के लिए, जैसे आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया इस अकाउंट में, जैसे ही ट्रांसफर किया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? 90 डेज फ्रॉम वॉट? फ्रॉम ट्रांसफर। जैसे ही कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया आपने? अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट होल्डर, कि कौन से लोगों को हमने पैसा ट्रांसफर, मतलब ये लोगों को, ये लोग ऐसे हैं जो पैसे लेने ही नहीं आए, तो इनका लिस्ट हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और बोलते हैं सुबह का भोला, शाम को घर आए तो उसको हम भोला, उसको हम भरोसे वाला बोलते हैं, आए है ना, ठीक है ना। सो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, 90 दिन में लिस्ट डाल देंगे उसकी बेटा, वॉन्टेड, मोस्ट वॉन्टेड, कि भैया आओ अपना लेके जाओ, हाँ है ना, है ना, तुम्हारा हमारे पास है लेके, ठीक है ना। चलिए ये तो भी ठीक है सर, 15% रहने देंगे, एक बार वापस समझाओ। यस, एंड में समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी। अच्छा, ये होने के बाद देखो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल का इंतजार होगा। कितने साल का इंतजार होगा दोस्तों? 7 साल का इंतजार होगा बेटा। हम हाथ पे दिया रख के, हम हाथ पे दिया, तेरे हाथ में नहीं है, हाथ में दिया है, दोनों में अलग है बेटा। हाथ पे दिया रख के, क्या रख के? हाथ पे दिया रख के इंतजार करेंगे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और आके मेरा लेके क्या, डिविडेंड, क्या लेके जाएंगे? डिविडेंड। सो हाथ में दिया रख के हम 7 साल तक इंतजार करेंगे। 7 साल बाद में भी अगर वो नहीं आए तो भैया क्या ये बोलूं। तो 7 साल में, अगर 7 साल हो गए, 7 years letters dot 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 extra dot about, मतलब अरे मतलब 7 साल बाद में, 7 साल होने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनो, 7 साल बाद डॉट ना ना ना, ओके। सो उसको 7 साल होने के बाद 30 दिन के अंदर विल ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में हम ट्रांसफर कर देंगे, जिसका कोई नहीं उसका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड बनाया हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। सर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कितने दिन के अंदर डालना है? 7 साल होने के बाद 30 दिन के अंदर, 7 साल होने के बाद 30 दिन के अंदर। सर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कुछ पैसा होता है क्रेडिट और कुछ पैसा होता है डेबिट। डेबिट मतलब यहां से खर्चा होता है, क्रेडिट मतलब यहां से इसमें पैसा आता है। तो जितना भी अनपेड पैसा है, जुलाई वालों का रिमेनिंग वाले चैप्टर बेटा अभी मिल रहे हैं ना 4 बजे अपन, हाँ सर, प्रॉफिट केस में कितना भी दे सकते हो, हाउ दे सकते हो कितना भी,
हाँ, सो जितना भी अनपेड है, जैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट भी किसमें जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाता है। अनपेड डिबेंचर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन हो चुके हैं लेकिन वो पैसा लेने ही नहीं आए, तो वो पैसा भी कहां डाल देंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अनपेड या अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा भी वहीं चले जाएगा, अनपेड एप्लीकेशन मनी का पैसा भी वहीं चले जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट कोई ग्रांट देता है, ग्रांट मतलब डोनेशन देता है, तो वो डोनेशन भी उधर चले जाएगा, और इसके ऊपर का इंटरेस्ट। तो सुनो ओ बाबू, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कौन सा पैसा जाने वाला है, तो जितना भी मिर्जापुर, जितना भी अनक्लेम्ड वाला पैसा है, ओ रजनीकांता इधर ध्यान दे, जितना भी अनक्लेम वाला पैसा है, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिबेंचर्स, अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम्ड एप्लीकेशन मनी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, ग्रांट तुम गलत बोल रहा है आयुष, GRANT ग्रांट दी है, है ना, हाँ, तो ये सारा पैसा वहां चले जाएगा, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके ऊपर का पड़ा पैसा है अकाउंट में पैसा, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना भाई, तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी इसके अंदर आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखो यार, मनीषा बोलिए हमारा भी तो नहीं हुआ सब चैप्टर, हाँ हाँ वही लेंगे ना बेटा, वही चालू करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 12 का पार्ट भी बाकी है ना, वो कर रहे हैं ना अभी 4 बजे। अच्छा अभी देखो यार, डेबिट सुनो बेटा, तो जितना भी अनक्लेम्ड पैसा है अगर वो क्लेम करने आ गए, वो बोले सुबह का बोला शाम में गया था, तो उसको बोला, उसको वाला कहते हैं, हाँ है ना, तो अनक्लेम्ड ने अगर क्लेम कर लिया है ना, सुनो मेरी बात सुनो सर, अगर मैं पास हो गया तो मैं आपको गिफ्ट में जीबी रोड का ट्रिप गिफ्ट करूंगा, जीबी रोड, जीबी दिल्ली रोड, दिल्ली में है क्या जीबी रोड, आओ देखो देखो, रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट, सुनो रे, रिफंड ऑफ व्हाट, अनक्लेम्ड अमाउंट, तो जो पैसा अनक्लेम्ड था अगर वो क्लेम हो जाता है, जो पैसा अनक्लेम्ड था अगर वो क्लेम हो जाता है, तो हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से रीपेमेंट उसको पैसा दे देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फिर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए पैसा हम खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टर के किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए है ना, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए सेमिनार वेबिनार है ना, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं हम लोग इन्वेस्टर को, कि भैया देख के लीजिए, पैसा देख के डालिए शेयर मार्केट में, बिना देखे मत डालो, गलत गलत जगह जा, मतलब है ना, पैसा डूब सकता है, पैसा डूब सकता है, गलत जगह मत डालो। तो प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के एजुकेशन, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। अच्छा सुनो ना यार, कोई कंपनी में लेट से क्या हुआ ना, स्कैम हो गया कोई कंपनी में, ये पॉइंट समझो बेटा, जैसे सत्यम में स्कैम हुआ और हजारों शेयर होल्डर का पैसा डूब गया, हजारों शेयर होल्डर का पैसा डूब गया यार, तो शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का पैसा डूब गया, तो क्या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से हम पेमेंट कर सकते हैं? अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया, देखो यार इन्वेस्टर एजुकेशन, सुनो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अल्टीमेटली पैसा जो है वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, और अगर इन्वेस्टर एट लार्ज का नुकसान हुआ है तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि जो फंड पड़ा है उसमें बहुत पैसा है, उसमें से इनका नुकसान का थोड़ा थोड़ा भरपाई कर दो यार। जैसे लेट से हुआ यूं, ये मानसी माइनर का यहां पर्स चोरी हो गया, उसके पर्स में, सुनो, उसके पर्स में 20,000 रुपए थे फीस के, 20,000 रुपए फीस के थे भैया, ऐसे इतनी उसने मेहनत कर करके 20,000 रुपए जमा करे हैं,
और इसका चोरी हो गया 20,000 रुपए। तो अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास कोई फंड बढ़ा हुआ है या फिर हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, क्या हम इसको 20,000 रुपए दे सकते हैं? क्योंकि क्योंकि फंड बड़ा है भाई, तो उसका यूटिलाइज होना चाहिए। तो वही बात है बेटा, तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद में रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, सुनो रे, रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, मेरी बात सुनो, लीगल एक्सपेंसेस व्हाइल फाइलिंग क्लास एक्शन सूट। कौन सा फाइल बेटा? क्लास एक्शन सूट। देखो क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है, जब सबके साथ गलत होता है तो सब लोग अलग अलग केस मत करो यार, साथ में मिलके केस करो। मैंने आप लोगों को बुलाया, सुनो ना, मैंने आप लोगों को डिनर पे बुलाया और मैंने आपको अपने हाथों से डिनर खिलाया, और हाथों से जब डिनर खिलाया उसके बाद आपको रनिंग बिटवीन द टॉयलेट स्टार्ट हो गई, आपका पेट खराब हो गया, सबका सबके सबको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो मेरे को बताओ आप क्या अलग अलग किस अलग अलग केस करोगे कि एक साथ करोगे? एक साथ, हाँ है ना? तो उसको हम बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। दो उंगलियां ले अपनी, नाक में डाल, फाड़ दे। हाँ, हाँ तो पर नाक तो फाड़ दे। टॉप 1000 कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ती है। लेंगे बेटा, लेंगे बेटा। अच्छा सुनो, ए मेरी बात मस्ती मत करो। तो क्लास एक्शन सूट में ना सब लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर केस फाइल किया, तो क्या खर्चा आएगा? भाई लॉयर वगैरह को पैसा देना पड़ेगा ना, वो पैसा हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से दे सकते हैं। वो पैसा हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में दे सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा नहीं डाला है तो आपको लग जाएगी पेनल्टी। सबसे पहले लगेगा पेनल्टी कंपनी को, और कंपनी को लग जाएगा इंटरेस्ट, लग जाएगा एट द रेट 18% पर एनम। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भैया लग सकता है फाइन 1,000 रुपए पर डे, एंड ससुराल जाना पड़ सकता, कितने साल तक? 2 साल तक ससुराल जाना पड़ सकता है अगर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया। कंपनी इज लाइबल टू पे 18% इंटरेस्ट एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, 2 साल तक ससुराल जाना पड़ सकता है, और तो और क्या लग सकता है बेटा? ठीक है, अच्छा एक्सेप्शन सुनो, मतलब फाइन पेनल्टी नहीं लगेगी, फाइन पेनल्टी नहीं लगेगी, बात समझना। एक्सेप्शन है कि आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अगर पैसा ट्रांसफर नहीं करा तो क्या, या डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं करा तो आपको क्या नहीं लगेगा बेटा जी? पेनल्टी नहीं लगेगा, एक्सेप्शन दिया है। डिविडेंड कितने दिन के अंदर पे करते हैं? 30 डे। अगर 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं किया तो पेनल्टी लग जाती है कितने की? ऑफिस 18% का इंटरेस्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, 2 साल तक की जेल। हाँ है ना, एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है भाई कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगा, आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। कब पेनल्टी नहीं लगेगा? अगर डिले हुआ है, डिले हुआ है ड्यू टू ऑपरेशन बाय लॉ। हम तो 30 दिन में दे रहे थे भाई, लेकिन जिसको दे रहे थे वही मर गया। हाँ है ना, ये गंगा को डिविडेंड देना था, गंगा को डिविडेंड देना था। जैसी न्यूज आई कि गंगा को डिविडेंड मिलने वाला है, गंगा वो न्यूज सुन के ही गंगा बह गई बेटा। हाँ है ना, तो उस केस में लेट हुआ है यार 30 दिन में। अब हम ढूंढ रहे थे कि गंगा का है कौन भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव गंगा का कौन है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। ये मुकेश, मुकेश नहीं, क्या नाम, महेश बोलता मैं हूं गंगा का, वो सभी का है। हाँ, कभी कभी किसी लड़की के गले में हाथ था, इसके गले में हाथ डाला होता, कभी किसके गले में हाथ डाला हुआ है भाई? जिंदगी हो तो तेरे जैसी भाई है, ये क्लास में ऐसे 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 आराम से हाथ डाल के ऐसे बैठा हुआ, आराम से, फिर वो सर पे सर लगा के ऐसे बैठा हुआ है, कंधे पे कंधा लगा, और क्या लगा, I don't know, लेकिन हाँ मतलब जिंदगी हो तो ऐसी बताओ। नहीं तो एक हमारे जमाने की बात, लड़कियां इधर बैठती थी, लड़के उधर बैठते थे, दोनों एक दूसरे के अलग अलग बैठते थे, बताओ। अच्छा पहला डिले क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन बाय लॉ। दूसरा भैया सुनो ना, डिस्प्यूट है,
क्या है? बिस्कुट है, सॉरी डिस्प्यूट है, कहा है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नहीं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट है इस चीज का कि किसको देना है। मतलब मेरी बात सुनो, डिस्प्यूट किस चीज का है कि भैया किसको डिविडेंड देना है, अभी उसको लेके क्या चल रहा है बाबूजी, डिस्प्यूट चल रहा है कि डिविडेंड देना किसको है। हाँ है ना, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, मतलब शेयर्स बेच दी हमने, समझो शेयर्स बेच दी हमने, तो भैया ट्रांसफरर को मिलेगा कि ट्रांसफरी को मिलेगा, डिस्प्यूट है। हाँ है ना। तीसरा बेटा, लॉफुल एडजस्ट हो गया आपका, क्या हो गया? लॉफुली एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया मतलब क्या दोस्तों? मेंबर से पैसा लेना था, मेंबर को डिविडेंड देना था, मेंबर से पैसा लेना था, मेंबर को डिविडेंड देना था। फिट्टुम फिट्टास, क्या बोलते हैं उसको? फिट्टूस, क्या हो गया? फिट्टूस। मेरे को आप 10,000 देने वाले थे, मैं आपको 10,000 देने वाला था, 10,000 लिया, 10,000 दिया, इससे अच्छा ना लेना ना देना। लॉफुली हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया बेटा। हाँ है ना। फिर बोला है, हमने डिविडेंड वारंट टाइम पे पोस्ट कर दिया था, हमने डिविडेंड वारंट टाइम पे 30 दिन के अंदर अंदर हमने वारंट पोस्ट कर दिया था, अब उसको मिला नहीं, उसका मैं क्या करूं? मैंने तो वारंट पोस्ट कर दिया था भाई, है ना, तो मैं पोस्ट कर चुका हूं डिविडेंड वारंट, आपको नहीं मिला डिविडेंड वारंट, तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है, ठीक है। और दूसरा, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया, शेयर होल्डर ने क्या दिया था? डायरेक्शन, कि मेरे को तो डिविडेंड ऐसे ही चाहिए, जैसे उसने बोला मेरे को तो कैश में डिविडेंड चाहिए, कैश में, किसमें? केस में। तो बोले मेरे को तो केस में चाहिए, केस में मतलब कैश में चाहिए। हाँ है ना, यस और नो? लेकिन कंपनी दे ही नहीं सकती कैश में भैया, बाय लॉ कंपनी कैश में डिविडेंड दे ही नहीं सकती, तो कंपनी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम तो नहीं दे सकते कैश, केस में हम तो दे ही नहीं सकते, तो कम्युनिकेट कर दिया बेटा, कम्युनिकेट कर दिया, आपने स्पेशली डायरेक्शन दिया था कि मेरे को इसी मोड में पेमेंट चाहिए, एंड कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया कि इस मोड में पेमेंट नहीं हो सकता, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिले हुआ है, हम तो देने के लिए रेडी हैं, आप बोले नहीं हमको तो ऐसा ही चाहिए, कंपनी बोल रही है हम ऐसा नहीं दे सकते, आप बोल रहे हमको तो वैसा ही चाहिए, कंपनी बोल रही है हम नहीं दे सकते, इसी में दिन निकल गए। हाँ है ना। तो इन सब सिचुएशन में फाइन और पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ है ना। अच्छा, ये आपका कौन सा था डिविडेंड वाला चैप्टर? ओम बट स्वा हो चुका है। सुनो सुनो, कल करेंगे CSR, कल क्या करेंगे? CSR। पहले 15% वाला समझ लो बेटा, एक मिनट रुको बैठा, पहले 15% वाला समझ लो एक बार। अगर लॉस हुआ है ना बेटा, क्या हुआ है? लॉस। अगर लॉस हुआ है ना बाबू, तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व निकाल सकते हो, और निकालने के बाद रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। 10% निकालो, 15% रहने दो। सर 15% किसका रहना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल का 15% रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि 3 साल का एवरेज लेना है। 3 साल का क्या लेना है दोस्तों? एवरेज लेना है, ठीक है ना। 3 साल एवरेज किसका बेटा? जो आपने डिविडेंड पिछले 3 साल में डिक्लेयर किया है उसका 3% लेना है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अगेन बता रहे हैं हम भैया, जैसे मोदी सर ने बताया था, कमेंट करना अनिवार्य है, लाइक करना कंपलसरी है। जिन्होंने मैराथन पे अभी तक कमेंट नहीं किया है, जाओ भागो भागो बकरे, शेर आएगा तो कर देगा टुकड़े। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए, रिजर्व में बचना चाहिए 15% कैपिटल का, फ्री रिजर्व में। अरे तेरी सासू लिमिट ये दी है कैपिटल का 15%, सपोज कैपिटल 100 रुपए का है, उसका 15% होता है, चुप रहे 15 रुपए, तो रिजर्व में 15 रुपए बचने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या।